भाजपा संगठनात्मक जिला महासू के तहत रामपुर भाजपा मंडल के भीमसेन ठाकुर नए अध्यक्ष बने। नवनियुक्त अध्यक्ष ने रामपुर के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता कर अपनी भावी रणनीति को जाहिर किया। इससे पहले रामपुर के विभिन्न क्षेत्रों से आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। भाजपा संगठनात्मक जिला महासू के तहत रामपुर भाजपा मंडल के भीमसेन ठाकुर नए अध्यक्ष बने। नवनियुक्त अध्यक्ष ने रामपुर के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता कर अपनी भावी रणनीति को जाहिर किया। इससे पहले रामपुर के विभिन्न क्षेत्रों से आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। नवनियुक्त अध्यक्ष भीमसेन ने कहा कि संगठन में गुटबाजी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने माना कि रामपुर में खेमों में बंटे थे भाजपा, लेकिन सबको एक मंच पर लाने के लिए वे प्रयास करेंगे। उन्होंने माना कि रामपुर में भाजपाइयों में सामंजस्य नहीं था, अब संगठन की सरदारी संभालने के बाद इस खाई को पाटने का प्रयास करेंगे। वे सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन का काम उनके लिए कोई नया काम नहीं है। वे पूर्व में भी मंडल भीम सैनी से पहले भी रामपुर मंडल के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके पास संगठन को चलाने का व्यापक तजुर्बा है। उन्होंने साफ किया कि अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी की मान मर्यादाओं के साथ संगठन को मजबूत करने पर निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाएगी। उधर नवनियुक्त अध्यक्ष की टीम में जगह पाने की हसरते लेकर कार्यकर्ता अध्यक्ष से नजदीकियां बनाने के लिए रास्ता खोजने में मशगूल हैं। तरीका है, इसलिए बार बार मुझे पार्टी भेज देती है जब भी ऐसी बात होती है। मुझे मालूम है कि मुझे कैसे करना है, लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि चंद दिनों में आप देखने लग जाएंगे कि बीजेपी एक यूनिट है, एक यूनिट है, कोई गुटबाजी नहीं है। या पुतका मेरा ये है कि जो किसी वजह से कुछ गतिरोध बीच में पैदा हुआ, वो लोगों के बीच से जो मत भिन्नता आई थी थोड़ी बहुत, उसको दूर करना, जिसमें हम आज की बैठक में भी काफ़ी कामयाब रहे हैं। और मुझे लगा है कि हर कार्यकर्ता जो है पिछली बातें सब भुलाकर एक साथ कदम से कदम मिलाकर 2022 के लिए वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिस तरह से